गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ओमिशन ऑफ द आर्टिकल यानी कहां पर आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्टिकल कहां लगाया जाता है, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं, द डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। अब यहां कहां नहीं लगाया जाता यानी आर्टिकल का लो। नंबर एक है, प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, शेक्सपियर, मिल्टन इत्यादि, ये प्रॉपर नाउन है। इसके पहले आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जैसे ही इज गोइंग टू दी कलकत्ता। कलकत्ता एक शहर का नाम है तो दी यहां गलत है, वाक्य गलत हो गया। अब करेक्ट क्या होगा, ही इज गोइंग टू कलकत्ता, है ना, यानी कोलकाता चूंकि प्रॉपर नाउन है तो उसके पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दी दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली प्रॉपर नाउन है उसके पहले दी लगा, यानी वाक्य गलत है, इनकरेक्ट है। सीधे लिखिए दिल्ली इज ए बिग सिटी, करेक्ट, यानी किसी भी प्रायः की बात करें, समानते अंग्रेजी में 100% कुछ नहीं, प्रायः प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नंबर दो, मटेरियल, अब ये प्रायः के लिए तब ये कहां करते हैं, अरे लगता तो है कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, लेकिन वहां दी शेक्सपियर इसलिए लगा है कि शेक्सपियर जैसा है ना। कश्मीर इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यहां कोलकाता पर नहीं लगा, स्विट्जरलैंड पर लगा, इसलिए लगा वह स्विट्जरलैंड देश के लिए नहीं है, स्विट्जरलैंड जैसा प्राकृतिक दृश्यों वाला थे, यानी विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत लगता है। नंबर दो, मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में दी का प्रयोग नहीं होता, यानी मटेरियल नाउन सामान्य अर्थ में आया है तो उसके पहले कोई आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे, जैसे दी गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। अब गोल्ड यहां जो प्रयोग किया गया है वो सामान्य अर्थ में है या इनकरेक्ट है, अशुद्ध वाक्य है। सीधे लिखिए गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यानी मटेरियल नाउन के पहले साधारण अर्थ में अगर प्रयोग हुआ है तो आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। दी आयरन इज ए यूजफुल मेटल, इनकरेक्ट, दी आयरन इज ए यूजफुल मेटल, इनकरेक्ट, अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, आयरन इज ए यूजफुल मेटल, यानी आयरन के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन नोट जरा देखिए, मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में किया गया, यानी वही मटेरियल नाउन विशिष्ट अर्थ में आया हुआ हो तो दी का प्रयोग होता है, जैसे दी गोल्ड ऑफ माय रिंग, सभी सोने की बात नहीं हो रही है, मेरे अंगूठी के सोने की बात हो रही है, दी गोल्ड ऑफ माय रिंग इज प्योर, मेरे अंगूठी का सोना शुद्ध है। दी वाटर ऑफ ए गंगा इज पॉल्यूटेड, करा गंगा का पानी, यहां सभी पानी की बात नहीं हो रहा, वो मटेरियल नाउन विशिष्ट है गंगा के पानी, इसलिए दी लगा, यानी जब मटेरियल नाउन का प्रयोग आप विशिष्ट अर्थ में करेंगे तो दी लगाएंगे। नंबर तीन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता, यानी भाववाचक संज्ञा के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, दी नहीं लगाओगे, जैसे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी क्या है, यानी जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे दी ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, इनकरेक्ट है, इसलिए कि ऑनेस्टी के पहले आपने दी लगाया, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, यह सही है, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, लेकिन वही ऑनेस्टी अगर विशिष्ट अर्थ में आ गया, यहां नहीं लिखा है लेकिन जान लीजिए विशिष्ट अर्थ में आया तो वहां लग जाएगा, जैसे दी ऑनेस्टी ऑफ राम, केवल राम के ईमानदारी की बात करिए, दी ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी सस्पेक्टेड, राम के ईमानदारी पर संदेह नहीं हो सकता, दी ऑनेस्टी ऑफ दी राम कैन नॉट बी सस्पेक्टेड, वहां विशिष्ट अर्थ में लगेगा। नंबर चार, जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में, वाइडेस्ट सेंस में आया, जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ यानी वाइडेस्ट सेंस में प्रयोग हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता, जैसे ए मैन इज ए मार्टल, गलत है, सीधे लिखे मैन इज मार्टल, मैन इज मार्टल, इसलिए व्यापक अर्थ में आया हुआ है।
नंबर पांच, जब कुछ नाउंस जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, चर्च हुआ, हॉस्पिटल हुआ, बेड हुआ, प्रिजन हुआ, कोर्ट हुआ आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है, मतलब स्कूल पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल दवा के लिए, कोर्ट न्याय के लिए, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए, बेड सोने के लिए, और प्रिजन जेल के लिए, कोर्ट न्याय के लिए, अगर उनके अर्थ उनके उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है तो इनके पहले आर्टिकल डी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन उनके उद्देश्य से हट कर किसी और उद्देश्य के लिए आप जाएंगे तो वहां डी लगेगा। जैसे ही गोज टू दी टू स्कूल, सॉरी यहां से ही गोज टू दी स्कूल इनकरेक्ट है, वह विद्यालय जाता है। अब यहां उद्देश्य आप अलग से कुछ नहीं लिखे हैं, इसका मतलब पढ़ने की बात है तो दी गलत है। आप लिखिए ही गोज टू स्कूल, इसलिए उसका उद्देश्य क्या अध्ययन है, अध्ययन के लिए, यानी अध्ययन के लिए जाएंगे तब नहीं लगेगा। सी गोज टू दी टेम्पल एट 10 o'clock, वो 10 बजे मंदिर जाती है। दी यहां गलत है, इसलिए पूजा पाठ के लिए है। सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock, प्रार्थना के लिए जाती है। यह वाक्य सही है, यानी इन शब्दों के पहले दी आप नहीं लगाएंगे अगर उसी उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है। यदि इन स्थानों पर अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं, यानी विद्यालय में पढ़ने के अलावे, मंदिर में पूजा के अलावे, गिरजाघर में पूजा के अलावे, कोर्ट में न्याय के अलावे अगर जाते हैं तो आर्टिकल डी का प्रयोग होता है। जैसे माई फादर वेंट टू दी स्कूल, आर्थिक का मेरे पिताजी विद्यालय गए अथवा कॉलेज गए किस लिए, टू सी दी प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य से मिलने, इसलिए वो पढ़ने थोड़ी गए थे, प्रधानाचार्य से मिलने गए। सम वर्कर्स आर गोइंग टू दी टेम्पल टू रिपेयर, कुछ कारीगर, कुछ मजदूर मंदिर में उसकी मरम्मत करने के लिए जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है, पूजा करना नहीं, मरम्मत करना, इसलिए टू दी टेम्पल लगा हुआ है। नंबर 6, काइंड ऑफ तथा सार्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता, काइंड ऑफ तथा सार्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही इनकरेक्ट है, देख रहे हैं ना, ए लगा हुआ, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन लगा है, गलत है। लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, वो किस प्रकार का आदमी, करेक्ट हो गया। आई डू नॉट लाइक दिस सार्ट ऑफ ए मैन, लिखा है गलत, इनकरेक्ट। आई डू नॉट लाइक दिस सार्ट ऑफ मैन, दिस सार्ट ऑफ मैन, ये सही है। नंबर 7, बीमारियों रेगुलर मीन्स यानी नियमित भोजन और उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक हैं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बीमारियों के पहले, रेगुलर मील्स भोजन के पहले और उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक हैं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे फीवर है बीमारी, मलेरिया, डिसेंट्री, प्लेग आदि। केवल 2 बीमारियों के पहले दी का प्रयोग होता है, दी मेजल्स और दी मम्स, कंठमाला रोग, इन 2 बीमारियों को पहले दी लगता है, दी मेजर्स, दी कंठ, दी मम्स। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, देख रहे हैं इसके पहले दी इसलिए नहीं लगा कि रेगुलर मीन्स है, नियमित भोजन है। हेल अपने किस्म का एक है, स्वर्ग अपने किस्म का एक है, गॉड अपने किस्म का एक है, इसलिए दी नहीं लगा। लेकिन जरा अपवाद देखिए, दी डेविल, डेविल के पहले दी लगा हुआ, और दी पोप भी अपने किस्म का एक है लेकिन दी लगा हुआ, अंग्रेजी में अपवाद बहुत होता है। 8, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन के बाद आने वाले नाउंस के पहले जो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कह रहा अपॉइंट हुआ, इलेक्ट हुआ, मेक हुआ और क्राउन के बाद आने वाला नाउंस के पहले जो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे दे मेड हिम एम्परर, दे मेड हिम एम्परर, ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, देखना प्रिंसिपल पहले कोई आर्टिकल नहीं, ही वाज क्राउन्ड किंग,
नौवां खेलों के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। खेलों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जैसे आई प्ले हॉकी, हॉकी के पहले नहीं लगा। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता। नंबर 10 नेचर का अर्थ यदि प्रकृति हो, स्वभाव नहीं, तो बिना आर्टिकल का प्रयोग होगा। यानी अगर नेचर का प्रयोग प्रकृति के लिए आया है, स्वभाव के लिए नहीं, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे पंत वाजे पोएट ऑफ नेचर, पंत वाजे पोएट ऑफ नेचर। जहां प्रकृति के रूप में नेचर का प्रयोग होता है, यानी जहां प्रकृति के अर्थ में नेचर को लिखते हैं, वहां यन कैपिटल लेटर ही लिखना चाहिए। यानी वहां नेचर का यन कैपिटल लेटर में होगा, है ना। तो यह देखा है आपने ओमिशन आप में, यानी कहां आर्टिकल का लोप करते हैं, यहां कुछ बातें दिखाई गई हैं। अभी कुछ है जो अगले वीडियोस के अंतर्गत आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा।